वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्ति का सेशन नंबर पहला है। आपको एग्जाम में जो लेखन विभाग या अथवा रचना विभाग होते हैं उसमें हमेशा अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से ही देखो, व्याकरण का एक टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्ति। यह अधिकतर आपके जो पाठ होते हैं उस पाठों में से पूछे जाते हैं। तो व्याकरण के इस सेशन में हम मुहावरे और लोकोक्ति, इसमें हम उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति को प्रोवर्ब्स कहा जाता है इंग्लिश में। बच्चों, हम सबको पता है कि बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी बात करते समय बहुत ही निरसता से बात की जाती है, लेकिन कभी कभी उसे रोचकता के साथ भी हम लिखते हैं या बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर बात करने के दो तरीके मैंने लिखे हैं। एक है साधारण तरीका और दूसरा है विशेष तरीका। अब साधारण तरीका से मैं बात करती हूँ, वाक्य कहती हूँ कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। यह वाक्य कैसे लगता है हमें? साधारण तरीके से। लेकिन उसी बात को मैं अलग ढंग से बोलती हूँ, राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। अब देखिए, बात तो एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका मैंने बदल लिया। इसमें राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, यह साधारण तरह से बात कही, लेकिन राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, इसमें मैंने लाल पीला इन शब्द से उसको एक विशेष तरीके के रूप में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार बात करने के साधारण तरीके और विशेष तरीका होता है। विशेष तरीके से क्या हो जाते हैं, भाषा बहुत प्रभावशाली और रोचक बनती है। अब और एक उदाहरण देखते हैं। एक वाक्य कहती हूँ मैं, सिपाही को देखते ही चोर भाग गया। अब ये कैसी लग रही है बात? साधारण तरीका लग रहा है ना, लेकिन वही उसी बात को मैं अगर कहती हूँ, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो कैसे, मतलब विशेष शब्दों का प्रयोग लग रहा है ना इसमें, कौन से 9-2-11 होना। तो इस प्रकार भाषा बोलते समय या लिखते समय हम साधारण तरीके के बजाय एक विशेष तरीके का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा बहुत ही रोचक और प्रभावशाली बनते हैं। अब देखिए, बात कहने के जो दो तरीके मैंने इस्तेमाल किए थे उसमें साधारण वाक्य में मैंने गुस्सा होना इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसी तरह दूसरे वाक्य में मैंने विशेष तरीके से लाल पीला होना इस विशेष शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार लाल पीला होना या फिर 9-2-11 होना, यह एक विशेष प्रकार के कथन का भाव वहां पर व्यक्त हो रहा था। अब देखिए, दूसरे वाक्य में मैंने जो भाग जाना उसके जगह पर मैंने 9-2-11 होना इस प्रकार से कथन में एक विशेषता ला दी। तो इसी प्रकार देखो, भाषा की सुंदर रचना हेतु मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अब देखिए, जब मैंने भाषा के विशेष तरीकों का प्रयोग किया, 9-2-11 होना या फिर लाल पीला होना, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? मुहावरे। तो मुहावरे और लोकोक्ति जो होते हैं उससे क्या होता है कि भाषा की जो सुंदरता होती है वह और भी बढ़ती है। तो इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के द्वारा हम भाषा की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों भाषा को सजीव, प्रभावपूर्ण एवं आकर्षक बनाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषा में विभिन्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अक्सर प्रयोग होते हुए देखा गया है। मुहावरा जो शब्द है वह वास्तव में अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करता है, जबकि लोकोक्तियों को, जिसे हम दूसरा नाम कौन सा जानते हैं, कहावतों के नाम से भी जाना जाता है। अब मुहावरे जो होते हैं वो थोड़े संक्षिप्त में होते हैं और लोकोक्तियां या कहावतें होते थोड़े विस्तार में
होते हैं। अब हम जब मुहावरे और लोकोक्ति इस टॉपिक को हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरा। विशेष अर्थों को प्रकट करने वाला वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। यह अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। अब देखिए, मुहावरे जो होते हैं वह अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, जबकि जो लोकोक्तियां होते हैं वह अपने आप में पूर्ण और पूरा भावार्थ बतलाते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भले ही कठिन हो, लेकिन बार बार उसको पढ़ने से, बार बार उसका अभ्यास करने से यह कठिन लगने वाले मुहावरे भी आसान हो जाते हैं। देखते हैं मुहावरे के अलग अलग डेफिनेशन। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को हम मुहावरा कहते हैं। देखो, हमने जब विशेष तरीका और साधारण तरीके द्वारा जो अलग अलग शब्दों के प्रयोग को के द्वारा कथन में किस प्रकार से विशेषता लाई थी, उसके द्वारा हमने यह मुहावरे की डेफिनेशन लिखी कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को हम कहेंगे मुहावरा। दूसरा है, जब कोई शब्द समूह कोई सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। इसके अलावा वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग डेफिनेशन से हमें पता चल गया है कि मुहावरा किसे कहते हैं। अब देखते हैं मुहावरे की क्या क्या विशेषता होती है। जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक या सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। अब देखिए, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ के द्वारा हमें व्यक्त किया जाता है। इसके प्रभाव से भाषा में सजीवता आती है। सारी विशेषता है मुहावरे की। इसके प्रयोग से क्या हो जाता है, भाषा में सजीवता आती है, सुंदरता तथा स्पष्टता आ जाती है और भाषा का अर्थ प्रभाव भी बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मुहावरा होता है आसमान सिर पर उठाना। अब आसमान सिर पर उठाना यह मुहावरा है, लेकिन अगर उसका हम अर्थ लेंगे तो क्या हम आसमान को सर पर उठा सकते हैं? नहीं। तो हमें देखो, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। अब बच्चे जब घर में मस्ती करते हैं, क्लास में जब बच्चे मस्ती करते हैं तो टीचर बोलते ना, बाप रे कितना बच्चे मस्ती करते, ऐसे कहते हैं? नहीं, क्या बच्चे हैं, बच्चों ने तो सारा आसमान सिर पर उठा लिया। इस प्रकार से आपके टीचर बोलते हैं ना, या घर में मम्मी भी बोलती है, क्या बच्चे हैं, हर दिन आसमान सिर पर उठा लेते हैं। तो आप क्या सच में आसमान सिर पर उठाते हो? नहीं। तो उसका अर्थ क्या होता है कि आप बहुत मस्ती करते हो, आप बहुत शोर मचाते हो। तो इसका अर्थ हुआ होता है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ क्या होता है कि बहुत शोर करना, न कि आसमान को सिर पर उठा लेना। मुहावरे के किसी शब्द को बदला। अब देखिए, मुहावरे से हमें उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है बल्कि उसका जो भावार्थ होता है उसको हमें लेना होता है। फिर मुहावरे के किसी भी शब्द में जो जिस स्थान पर जो शब्द होता है उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर उसकी जगह हम किसी दूसरे शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरे के किसी शब्द को बदला नहीं जा सकता। हम यह नहीं कह सकते कि आसमान को शीश पर उठाना। अब देखो, सिर के स्थान पर आप शीश शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सिर इस शब्द का ही प्रयोग करना है। तो हमेशा हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो मुहावरा है वह पूरा मुहावरे का जिस स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है। अगले मुहावरे की विशेषता है, मुहावरे से वाक्य पढ़ने और सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली लगती है। इसके प्रयोग से भाषा सरलता, सुंदरता, सरसता और चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
मुहावरा सदा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है, उसे किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द नहीं रखी जा सकती। जैसे मैंने पहले ही कहा था, आसमान सिर पर उठाना होता है, आसमान शीश पर उठाना नहीं। उसी प्रकार देखो, कमर कसना, इस मुहावरे पर अगर हम परिवर्तन करके कटिभंग का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब कमर कसना, इसका अर्थ क्या होता है कि बहुत कार्य करना, अथक प्रयत्न करना, मेहनत करना, इसे हम कमर के जगह पर कटी का प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरे का हमें कौन सी बात याद रखना है, हमेशा शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है बल्कि उसका भावार्थ हमें बताना चाहिए। जैसे कि अंग टूटना, अंग टूटना मतलब शरीर के अलग अलग जो अवयव होते हैं उसे, हाँ, तो अंग टूटना का अर्थ हम क्या लिखेंगे, हाथ पैर टूटना लिखेंगे नहीं, बल्कि उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिखेंगे, उसका भावार्थ क्या होगा, अंग टूटना का अर्थ होता है थकान होना। अब तक हमने मुहावरे किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या विशेषता होती है उसको पढ़ लिया। अब देखते हैं लोकोक्तियां किसे कहते हैं। लोकोक्तियों को हम दूसरे शब्द में कहावतें भी कहते हैं। साधारणता लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति नाम दिया जाता है। अब देखो लोकोक्तियां जो होते हैं, हम देखते हैं कि गांव में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं आज भी बहुत सारी लोकोक्तियों की प्रयोग करते हैं। तो लोकोक्ति जो सर्वसाधारण आम जनता होती है, प्रचलित भाषा में, हमारे बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोकोक्तियां, अब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन। कुछ लोकोक्तियां अंतरकथाओं से में भी रखी जाती है। जैसे कि देखो, आप एक लोकोक्ति भागीरथ प्रयास, जिसका अर्थ क्या है कि अर्थात जितना परिश्रम राजा भागीरथ को गंगा में अवतरण के लिए करना पड़ा था, उतना कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। अब देखिए, भागीरथ ने धरती पर गंगा को लाने के लिए बहुत कठिन मेहनत की थी, बहुत परिश्रम करना पड़ा था, तो इस प्रकार उसने जो कठिन कार्य किया था, इससे एक लोकोक्ति पड़ गई, भागीरथ प्रयास, उसका अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करने में सफलता मिलना। संक्षेप में कहा जाए तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया के रूप में वाक्य के बीच में किया जाता है, बल्कि जबकि लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती है जिनमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर हम धीरे धीरे लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, हमें समझ में आ गया। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। मुहावरे जो होते हैं वह एक वाक्यांश होते हैं और क्रिया का रूप में वह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, और वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि लोकोक्ति जो होते हैं वह स्वतंत्र वाक्य होते हैं और जिनमें एक पूरा भाव हमें मिलता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है ऐसी उक्ति जो लोक में प्रसिद्ध हुआ करती है। अब देखो, यहाँ पर लोकोक्ति का मीनिंग लिखा हुआ है मैंने, कि लोगों के द्वारा कहे गए कथन को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। दीर्घ अनुभव की बात को एक छोटे से वाक्य या वाक्यांश में कहना लोकोक्ति कहलाता है, इसे हम कहावत भी कहते हैं। वाणी या व्यवहार में प्रचलित मार्मिक और रूढ़ वाक्यों को कहावत कहते हैं, जो किसी बात को रोचक और प्रभावशाली बना देते हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे कहावतें हैं, उनको समझते हैं, उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। शेर पर सवा शेर। अब देखिए, एक व्यक्ति जो बड़ा शूरवीर होता है और उसका बेटा भी उससे भी ज्यादा वीर होगा, तो वो लोग उसके बेटे की प्रशंसा करते हुए उससे कहेंगे, बेटा शेर पर सवा शेर है। तो इस वाक्य से हमें क्या सूचित किया जा रहा है कि वीरता का गुण बेटे में बाप से अधिक या ज्यादा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, दूसरी लोकोक्ति दी गई है, जहां चाह वहां राव। अब देखिए, कोई भी कठिन कार्य करते समय हमें पता होता है कि बहुत सारी कठिनता है, लेकिन अगर हमारे मन में इच्छा होगी तो वहां से उस कठिन रास्ते पे, जहां पर हमें किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं दिखाई देता, वहां पर हमें मार्ग दिखाई देता है। तो जहां चाह, जहां इच्छा होती है, वहां पर हमें राह मिलती है, मार्ग मिलते है। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, उसने बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अनेक कठिनाइयों को अपना लक्ष्य पार कर लिया। उसकी सफलता को देखकर हम कहते हैं कि जहां चाह वहां राम, अर्थात कठिन कार्य को परिश्रम के साथ करके दिखाना।
अब देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति की विशेषता। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो, इसके पहले हमने देखा था कि एक फर्क देखा था कि वह क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि लोकोक्ति जो होती है वह स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होते हैं। मुहावरे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए इनसे वाक्य नहीं बनाए जा सकते, जबकि लोकोक्तियां अकेले ही वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, अब तक हमने मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है यह पढ़ा है कि मुहावरे जो होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, उनको बनाने के लिए हमेशा वाक्य की जरूरत होती है, उनके बिना वाक्य के बिना वह नहीं बन सकते। लेकिन लोकोक्तियां जो होते हैं वह अकेले वाक्य का कार्य कर सकते हैं। मुहावरे द्वारा भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, जबकि लोकोक्तियां आकार में ही बड़ी होती है। अब देखिए, मुहावरे के द्वारा जब हम भावों को प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमेशा वाक्य की जरूरत होती है, बिना वाक्य के मुहावरे व्यक्त नहीं कर सकते हम। लेकिन लोकोक्तियां बिना वाक्य के ही वो अपने भावों को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते है। मुहावरे के द्वारा भावों को उद्दीप्त किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियों का मन पर अमिट प्रभाव होता है। अब कुछ मुहावरे के उदाहरणों के द्वारा हम मुहावरे कैसे लिखे जाते हैं वह समझ लेते हैं। मुहावरे उनके अर्थ और वाक्य में उसके प्रयोग कैसे होते हैं यह उदाहरण से हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। वाक्य है, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियां मिट्टू बनना शोभा नहीं देता। अब देखिए, जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जब हम वाक्य में मुहावरा लिखते हैं तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे हमें कौन सा वाक्य में कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है वह दिखाई देगा। दूसरा है, अक्ल का चरने जाना, जिसका अर्थ है समझ का अभाव होना। उसे वाक्य है, इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गई है। तीसरा वाक्य है, मुहावरा है, अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। वाक्य है, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मुहावरा कहाँ पर लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है। अब चौथा है, अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। वाक्य है, आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। इसमें अक्ल के दुश्मन यह मुहावरा है और उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अगला है, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होता है अपना काम निकालना, अर्थात अपना स्वार्थ या अपना मतलब निकालना। वाक्य है, आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। तो इस प्रकार हम मुहावरे लिखते समय मुहावरा, उसका अर्थ और नीचे वाक्य शब्द लिखकर फिर आगे हमारा वाक्य, और वाक्य भी कैसे होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिसमें हमें वाक्य लिखते समय मुहावरा का प्रयोग करना होता है, अर्थ का नहीं। हमेशा यह बात हमें ध्यान में रखना है कौन सी, कि जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में मुहावरा लिखेंगे, उसका अर्थ नहीं। अब देखिए, इस वाक्य में आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं, तो मैंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया है, जबकि मतलब निकालना यह उसका अर्थ है। हमें वाक्य में उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि मुहावरे का प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, उन दोनों में कैसा कौन कौन से अंतर होते हैं, कौन कौन सी विशेषता होते हैं, उसको विस्तार से हमने पढ़ लिया। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का व्याकरण का ये जो भाग है यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।